वेलकम टू सीजी मोशंस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक्स स्पाइन रिग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्पाइन रिग। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बोन क्रिएट करेंगे स्पाइन के लिए। जस्ट यहाँ से अभी देखिए जो बोन का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, ये कैसा आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ की जो सेटिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें ऑन है। ठीक है, तो ये जितने भी बैक पेन और सब चीज़ें हैं ना, वही सब चीज़ें ऑफ करनी होंगी, उसके बाद से हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ बोन क्लिक करो, यहाँ पे देखो आप बोन फैन साइड ये सब चीज़ें ऑफ कर दिया जाए। ठीक है, जब हमको ज़रूरत होगी तो हम ये ऑन कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे हमें क्लिक करते हैं बोन सेटअप, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, शिफ्ट के साथ तो आप सीधा सीधा एक बोन सेटअप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और ये स्पाइन के लिए ये एफ के रिगिंग है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बोन क्रिएट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जस्ट यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन आता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अलाइन करेंगे, ठीक है, रेंडर, यहाँ पे जो रेंडर इनेबल है, ठीक है, इन सबों को ऑन कर देना है। थिकनेस आपको जितनी रखनी है उतनी रख सकते हो। उसके बाद जैसे इसकी कॉपी करनी है, अलाइन कर देना है, ठीक है, जैसे कॉपी करनी है अलाइन कर देना है। ठीक है, कॉपी किससे करनी है, शिफ्ट से, शिफ्ट से कॉपी करो, अलाइन कर दो। और जब भी आप अलाइन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सेस है ये ऑन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे सेंटर ना हो के यहाँ पे पाइवट होना चाहिए। ठीक है, जस्ट ओके कर दो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबों को सेलेक्ट करके और फ्रीज जरूर कर देना, ऑल्ट राइट क्लिक, ठीक है, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, यस। तो बोन और कंट्रोल सब फ्रीज हो चुके हैं मेरे। ठीक है, फ्रीज से क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे रह जाएगा। जब भी तुम इसको मूव करोगे या ट्रांसलेट करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स स्नैपिंग ले लेगा। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ पे चलेंगे, जैसे एक बोन सेलेक्ट करेंगे, सबसे जो मेरे रूट स्टार्टिंग की बोन है। ठीक है, एनिमेशन, ठीक है, यहाँ पे कंस्टेंट में ये साइड व्यू में लाएंगे हम इसको, और यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। जस्ट इस कंट्रोलर को क्लिक करेंगे, देखो ये बोन ख़राब सी हो गई तो इसे घबराने की बात नहीं है। जैसे हमको क्या करना है, हम जाते हैं असाइन पे, ठीक है, यहाँ पे मोशन के अंदर, ठीक है, बहुत सा ऑप्शन आता है, तो मोशन के अंदर हम जाएंगे और जस्ट एक्स वाई जेड पोजीशन, ये तो जितनी भी चीज़ें हैं ना पहले एक बार ऑफ कर दो, जिससे ना कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी चीज़ में। जस्ट यहाँ पे मेरा जो भी मोशन के अंदर चीज़ें हैं वो सही से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो पोजीशन आ रहा है, देखो यहाँ पे PRS पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन आएगा, इसको ऑन करना है। ठीक है, तब ये चीज़ें शो होगी। यहाँ पे पोजीशन था जिस, इसको रोटेशन पे करना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे ओरिएंटेशन ऐड करने का है ऑप्शन है, डिलीट करने का ऑप्शन है, उसके जस्ट नीचे यहाँ वेट है, ये हाफ डिवाइड हो गया है, यहाँ पे कीप इंस्टेंट ऑप्शन है, इसको ऑन करना है बस। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, जस्ट पहले बोन, एनिमेशन कंस्टेंट में जाना है, ठीक है, ओरिएंटेशन कंट्रोलर्स, और यहाँ पे कीप इंस्टेंट ऑफ कर, ऑन कर देना, सॉरी। ठीक है, एकदम बेस जो रिग है वो हमको पहले क्लियर करना है। ये हम जो रिग क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा एफ के है, तो आप देखोगे जब इसको रोटेट करोगे तो ये रोटेट हो रहा है, बट अभी ये साथ में कंट्रोलर्स नहीं जा रहे हैं, तो हमको पहले चाइल्ड वाला रिलेशन रखना होगा। मान लीजिए आप यहाँ से मैंने एक लिंक लिया और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, सिंपल यहाँ सेलेक्ट करना है, ड्रैग कर देना है, सेलेक्ट करना है, ड्रैग कर देना है। अब ये क्या होगा, ये रोटेट होगा और यहाँ पर ये मूव होगा, नहीं ना, तो हमको क्या करना होगा, ये जो बोन है सबसे हमारी रूट वाली स्पाइन की, ये इसके साथ ही इसको भी लिंक कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, आप इसको मूव भी कर सकते हो आराम से, उसके हिसाब से आप रोटेशन, ये मेरा एफ के रोटेशन है, ठीक है, ये मेरा एफ के रोटेशन है, इसको आप आराम से रोटेशन दे सकते हो। ठीक है, ये था मेरा स्पाइन का कंट्रोलर, सिंपल सिंपल।